आपको आज पॉइंट स्प्लिट हो गया, मैं तो कहूंगा इंडिया इज लकी, करते करते 20 पे आ गए, वो पाकिस्तान की गेम थी, 20 में 155 पाकिस्तान की गेम थी। आप ये शुक्र मनाइए कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आप हारे नहीं, क्योंकि हार ना बहुत मतलब इट कैन हिला सकती थी, हाकर मच जाती है, लेकिन दोस्तों जैसे कि अपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम फुल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। पाकिस्तान ने आज भारत को दिन में ही चंद्रयान 3 का नज़ारा करवा दिया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, इस तमाम सूरत हाल से हम देखेंगे विक्रांत गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, बारिश ने भारत को शिकस्त से बचा लिया, तो आइए दोस्तों हम चलेंगे वीडियो की जानिब। पर इस मैच से क्या रहा, वो ये जो डर था एक शायद आपका थोड़ा बढ़ा ही होगा, और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय टीम बच गई। पहले तो जिस तरीके से एक कोलैप्स हुआ बैटिंग में भी, अगर यहाँ से 20 ओवर की गेम होती तो आपको टोटल मिलनी थी 155 रन, और फिर वो भी पाकिस्तान के फेवर में रहता, तो किस तरीके से इस पूरे के पूरे मुकाबले को देखेंगे सर, जब नेक्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान फेस करेंगे तो क्या जो पहले स्थिति थी उससे ज़्यादा घबराहट होगी अब, या फिर हम बोलेंगे हम और कॉन्फिडेंट आएंगे? दूसरी बात आती है कि 11 क्या होगी, 11 क्या होगी, कहते हैं हिंदुस्तान में तो ये डिबेट चलता रहता है 11 क्या होगी, 11 क्या होगी, क्यों ये डिबेट नहीं हो रहा कि 11 जो है वो कर क्या रही है और उससे आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? आपने कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो, जो आज दोपहर 3 बजे भारत की टीम ड्रेसिंग रूम में थी, क्या रात के 10 बजे सेम माहौल होगा? हाँ, ईशान किशन ने रन बनाए, ब्रिलियंट, ईशान किशन ने यह बता दिया कि हेलो खेल रहा हूं ना, फिट हूं ना, और आप मुझे कह रहे हो कि भाई मेरी जगह नहीं बनती, आप किसी और को फिट करने की कोशिश कर रहे हो। हार्दिक पांड्या अमेजिंग काउंटर ट्रैक, बट इन दो के अलावा मुझे बताइए आपको क्या मिला? यही चाहिए था आपको काफी हद तक, बस नहीं आपको रोहित के रन नहीं चाहिए थे, नहीं ये शुभमन गिल के रन नहीं चाहिए थे, विराट के नहीं रन चाहिए थे, शेयर सैयद चाहिए थे, चाहिए थे, आपने जो 8 नंबर तक बैटिंग खिलाई क्या आपको टेल के रन नहीं चाहिए थे? चाहिए थे। तो आपको सवाल जो लेके गए, और आप हमें हमेशा कहते हो कि अरे घबराओ मत, हम सवाल नहीं है हमारे पास, हम जब जाएंगे ना अपने आप हम मेन स्विच ऑन कर देंगे और उसके बाद अपने आप जवाब मिलेंगे। आप नेपाल वाला मैच तो चलो ठीक है हो गया, मस्ट विन है वो, आप उसके बाद जब पाकिस्तान से अगला मैच खेलेंगे तो मेरा ये मानना है आप और सवाल लेके जाएंगे, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ का आप और हवा लेकर जाएंगे। देखो सर, सवाल उन्हीं के मन में है जिनपे पहले ही सवाल थे, ये तो आपको पता था ना कि लड़ाई है, शुभमन गिल स्टडी में नए थे, शुभमन गिल अब बट जिस तरह यार जो जिस तरह की क्रिकेट आज वो खेल के गए, अगले मैच में मुझे तो ये लग रहा था कि आज वो आएंगे और मतलब प्रेशर फ्री गेम खेलेंगे, उनके ऊपर इन गेंदबाजों का हवा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी अपने ऊपर वो हवा बना लिया है और अब अगले मैच में जब वो आएंगे तो वो एक्स्ट्रा केयरफुल होकर ही खेलेंगे इन गेंदबाजों को। एक्स्ट्रा केयरफुल होना हो दैट डजंट मैटर, एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब होता है कि यार सॉलिड इन डिफेंस, आप वक्त निकाल रहे हो, वो तो बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब ये नहीं है कि बीटी होते जा रहे हो। देखो ऑल सेड एंड डन आपका जो टॉप ऑर्डर था 4 बैट्समैन वो आउट ऑफ शॉट्स दिखे हैं, रस्टी दिखे हैं, एंड ऑनेस्टली बॉलर उन पे चढ़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि नहीं रन नहीं बन रहे थे, बट ये भाई यार मैं झेल लूंगा सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास, झेल नहीं रहे थे, बच रहे थे, बल्कि जो तो फिर वो आप बच गए, जितनी देर तक बचने की कोशिश कर रहे थे झेल नहीं रहे थे। अगले मैच में भी अगेन, अब फिर ये नहीं होता कि ये आज अगर पार्टनरशिप ले गए तो आप बोलते कि देखो पाकिस्तान के बॉलर्स तो कुछ है ही नहीं है, वो ये लड़ाई अब अगला राउंड है, अब अगला आपने नेपाल खेलना है, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है मस्ट विन नेपाल के बाद आपको फिर से पाकिस्तान ही खेलना है। मनोज भाई इसमें एक चीज है कि हम लोग क्या बात करते हैं उससे ज्यादा मैटर करता है कि खिलाड़ी खुद क्या सोच रहे हैं। भाई इस मैच ऑफ को और इसी नसीम को फेस करेंगे तो हम तो और प्रेशर में नजर आएंगे, सवाल तो हम लेके जाएंगे। ये बड़ा ट्रिकी सा कॉम्पिटिशन है, हम सिर्फ पाकिस्तान को खेलने नहीं गए, exactly. सिर्फ पाकिस्तान को खेलने नहीं गए। अब ठीक है आपको आज पॉइंट स्प्लिट हो गया, मैं तो कहूंगा इंडिया इज लकी, अगर 50 ओवर होते 267 शायद मैं इंडिया को देता,
कि ठीक है 45% इंडिया 55% पाकिस्तान, भाई इंडिया अगर शुरू में विकेट ले ले एंड सो ऑन सो फोर्थ, द मोमेंट ओवर कम होने शुरू हुए और आप जब 40 के नीचे आ गए, 40-38 करते करते 20 पे आ गए, वो पाकिस्तान की गेम थी, 20 में 155 पाकिस्तान की गेम थी। आप ये शुक्र मनाइए कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आप हारे नहीं, क्योंकि हार ना बहुत मतलब इट कैन हिला सकती थी, हाहाकार मच जाती है, इट कैन लीड टू हाहाकार। सो अब आपको सवाल ये है कि आप अपने रणनीति को और खेल को आज कैसे समीक्षा करेंगे। आई होप फॉर अ चेंज। ये हम जो अपने कुकून में रहते हैं ना, अपने घर में ही हम खुश हो जाते हैं, मेरे पर्दे बड़े अच्छे हैं, मेरे सोफे बड़े अच्छे हैं, मेरा पंखा देखो 20 साल से चल रहा है। आई थिंक आपको उससे निकलना होगा, आपको देखना होगा दुनिया क्या कर रही है। पाकिस्तान ने दो तीन चीजें बताई, 3 आउट एंड आउट उनके फास्ट बॉलर्स, उनके कप्तान ने बहुत बड़ी गलती की, बाबर ने 266 अलाउ कराई। क्यों? क्योंकि 66 पर 4 से उन्होंने स्पिनर तो लगा दिए, पर उस वक्त उनको जरूरत नहीं, वो चाहते अटैक करते, एक और आउट करते, उनके स्पिनर्स ने जो बीच में आके बॉल डाला, शादाब नवाज अच्छे बॉलर हैं, बट हमें इंडिया को एक पॉजिटिव ये दिखा कि एक लेफ्ट हैंडर अगर आपका 5 नंबर खेल रहा है ईशान किशन, तो वो एक तो स्ट्राइक रोटेट हो रही है हार्दिक के साथ, दूसरा ईशान की कैपेबिलिटी है, तीसरा बीच में विकेटें नहीं गिरने दी। एंड द मोमेंट आपने बीच में विकेटें नहीं गिरने दी, आपको एक स्टेज पे 315 सोच रहा था, बिल्कुल 315 तो आप जीत गए मैच बड़े आराम से, क्या अमेजिंग पार्टनरशिप। फिर एक आउट होता है, दूसरा आउट होता है, तो क्या होता है कि जो आप 8 नंबर तक बैटिंग कराते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप वहां पे कोलैप्स फंस जाते हो, आप रह गए जी 239/5 से सीधा 266। तो आपको यह भी पता चला कि पाकिस्तान को देखते हुए कि पाकिस्तान के कप्तान ने बीच में जब विकेटें नहीं ली तो सामने वाली टीम यानी कि इंडिया ने रन बना दिए, एंड द मोमेंट आपने बॉलरों को विकेट टेकिंग बॉलर्स को लेके आए एंड में उन्होंने आउट कर दिया। अब आपको देखना है यार, एक्चुअली यार मतलब हम सिर्फ 2 मोहम्मद सिराज और बुमराह को खिला रहे, नथिंग अगेंस्ट शार्दुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पता था आप देखिए जब टीम अनाउंस हुई, मुझे बताओ 99 रन बनाए वो एनसीए के ना, वो कोई मैच है ना कुछ, अगर आपको श्रेयस अय्यर को खिलाना है, अगर आप देखिए ये जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था या हम 11 की बात कर रहे थे, जब केएल राहुल भी अवेलेबल दिख रहे थे हमें, तब तो हम सब बैठ के हमने सबने बोला था ना कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल आपकी 11 में आएंगे ही आएंगे। मैं उस बात से हालांकि मैंने कौन बोल रहा था, हमने बोला है, क्यों बोला था, हम सबने बोला था, नहीं क्यों बोला, मैं ये जानना चाहता कि भाई वो फिट हैं, दे विल जस्ट वॉक इनटू द 11, बिकॉज़ इनकी हमें पता नियत क्या है, मैंने मेरिट पे तो नहीं बोला, मैंने तो ये बोला कि मुझे मालूम है इतने वर्ल्ड कप हमने भी देख लिए यार कि ये करें थी कि आप ये मैच शुरू होने से पहले हर कोई एक बात कह रहा था कि इंडियन टॉप ऑर्डर वर्सेस पाकिस्तान का पेस बोलिंग अटैक, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसकी बॉल पड़ के अंदर गिरेगी, अंदर आएगी, ठीक है, और वो डर कायम है। जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे वो मेंटल डीमंस आप लेकर आओगे कि यार पिछले मैच में 4 दिन पहले 8 दिन पहले इन्होंने ऐसे आउट किया था, जो सालों से चलता आ रहा है, जो सालों से डर था वो कायम है आज भी। अगले मैच में फिर पाकिस्तान के खिलाफ जब आप उतरोगे, मैं कह रहा हूँ मस्ट विन गेम है, पाकिस्तान थ्रू हो चुका है, सुपर फोर होस्ट जो है पाकिस्तान वो थ्रू हो चुका है, और हमें नेपाल को फेस करना है एक मस्ट विन मैच में, वो भी तो एक प्रेशर रहता है। Yeah, yeah, I'm going to go to the